हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। देखिए, बिहार सिविल कोर्ट में एक न्यू वैकेंसी निकल के आई, ठीक है। देखिए, बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट, ठीक, 2022 का रिक्रूटमेंट है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है बिहार सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन, ठीक। ये न्यू वैकेंसी है बिहार सिविल कोर्ट की, ठीक है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा अब पोस्ट निकल के आया, ठीक है, इसका डिटेल क्या क्या है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है टोटल पोस्ट इसका 7692 पोस्ट है, ठीक। और पोस्ट नेम इसका जो है, देखिए, निकल के आया है, कलर का एक है, एक स्टेनो का है, एक रीडर का है, एक प्यून का है, ठीक है। चार पोस्ट इसमें निकल के आया, ठीक। और इसका देखिए अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड इसका अप्लाई होगा। और देखिए, यहाँ पर जो डेट है क्या निकल के आया, देखिए, अप्लीकेशन स्टार्ट डेट इसका 20/9/22 से, ठीक है, 20/9 से इसका स्टार्ट है अप्लीकेशन करना, ऑनलाइन करना, ठीक है। और देखिए, इसका जो लास्ट डेट है वो 20/10/22 है, ठीक। अब देखिए, इसका फीस पेमेंट करने का लास्ट डेट इसका 20/10/22 है। और देखिए, एडमिट कार्ड इसका टू बी नोटिफाइड लेटर दे रहा है, अभी इसका एडमिट कार्ड डेट अभी नहीं अवेलेबल हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट भी अभी नहीं आया है। अब देखिए, फीस इसमें देख लेते हैं कितना लगेगा। देखिए, जनरल OBC WS का लगेगा 800, और देखिए SC ST PH वालों का 400 लगेगा, ठीक है। ये FR प्यून के लिए, ये प्यून पोस्ट के लिए, ठीक है। और देखिए, जनरल OBC WS का 600 लगेगा, और SC ST PH का 300 लगेगा, ठीक है, अदर पोस्ट के लिए। और देखिए, इसमें एज लिमिट कितना कितना रहेगा, ठीक है। देखिए, एज एज ऑन 1/9/22, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का एज काउंट होगा, कम से कम आप लोगों का 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए, ठीक है, ये प्यून के लिए, ठीक है, प्यून पोस्ट के लिए। और जो अदर पोस्ट है उसके लिए देखिए 21 से 37 साल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें एज में छूट भी मिलेगा, ठीक है, जैसे सब में मिलता है, सब सब पोस्ट में, ठीक है, उस तरह से मिलेगा इसमें भी। अब देखिए, पोस्ट वाइज इसमें वैकेंसी बताते हैं कितना कितना निकले। देखिए, कलर का जो निकल के आया, देखिए 3325 पोस्ट निकल के आया है, स्टेनोग्राफर का 1562 पोस्ट, और कोर्ट रीडर का जो निकल के आया पोस्ट उसका देख लीजिए 1132 पोस्ट है, ठीक है, और प्यून का 1673 पोस्ट है। यही टोटल आप लोगों का 7692 पोस्ट निकल के आया, ठीक है। अब देखिए, इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। देखिए, कलर का जो पोस्ट है उसका देखिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, BA BSc BCOM होना चाहिए, ठीक है, तब आप लोग इसका इस पोस्ट का अप्लाई कर पाएंगे। या तो जो स्टेनोग्राफर का है इसका देख लीजिए, इसमें BA BSc BCOM मांगा है, ठीक है, और इसमें स्टेनोग्राफर में एक स्किल टेस्ट भी मांगा है कंप्यूटर पर, ठीक है। आप लोगों कम से कम कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है, 80 वर्ड परमिट के हिसाब से, और 60 वर्ड परमिट के हिसाब से हिंदी का, ठीक है, 80 वर्ड परमिट के हिसाब से इंग्लिश का होना चाहिए टाइपिंग, और हिंदी का 60 वर्ड परमिट, ठीक है। इस तरह से अगर टाइपिंग स्पीड होगा तो आप लोग इसका अप्लाई कर पाएंगे। और कोर्ट रीडर का देख लीजिए, कम डिपोजिशन राइटर का जो है इसमें देख लीजिए BA BSc BCOM होना चाहिए, ठीक है, इसमें भी आप लोगों इंग्लिश के इंग्लिश हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग होना चाहिए और हिंदी का टाइपिंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें साधारण टाइपिंग मांगा गया, देखिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का होगा तो आप लोग इसका अप्लाई कर पाएंगे। और प्यून का देख लीजिए, प्यून में जो इसका जो है, इसमें सिर्फ आप लोगों का मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 10th पास होना चाहिए आप लोगों का सिर्फ, ठीक, तो आप लोग प्यून का इसमें अप्लाई कर पाएंगे। था बिहार सिविल कोर्ट की जो वैकेंसी न्यू निकल के आई, ठीक है, यही वैकेंसी थी, इसका नोटिफिकेशन ही था, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी, इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, ठीक है, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई करेंगे, कितने उम्र के लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो इसमें सारा मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके इच्छुक हों, अगर आप लोग चाहते हैं बिहार सिविल कोर्ट में सी, ठीक है, जॉब पाना, तो आप लोग आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी जो है पोस्ट निकल के आए, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 7692 पोस्ट पर निकल के भी आया, ज़्यादा पोस्ट भी है, ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जब मैं इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा, इसके कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं जब उसका वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग उसका जो है जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।